उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे श्री सिटी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारी सहित श्री सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी और साथ ही में सिटी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी मेंबर उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और वाहन चेकिंग अभियान चलाने की मांग की। संपूर्ण उज्जैन जिले के अंदर इस समय उज्जैन जिले के अंदर प्रेस लिखे हुए वाहनों की भरमार है। ऐसे में जो वाहन मालिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम नहीं कर रहे हैं, जिनको कोई सरोकार किसी भी संस्थान से नहीं है, उनके वाहनों पर कार्रवाई की जाए और उनके कार्ड आईडी दस्तावेज चेक किए जाए, ताकि शहर के अंदर अवैध रूप से प्रेस लिखे हुए वाहनों पर कार्रवाई हो सके। इन अवैध वाहन से कई प्रकार के विवाद की स्थितियां निर्मित होती हैं। उसी को लेकर श्री सिटी प्रेस क्लब के कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारी उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही वाहन चेकिंग चलाकर जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम नहीं कर रहे हैं, उनके वाहनों पर से प्रेस लिखा हुआ शब्द हटा ले, नहीं तो कार्रवाई भी होगी और प्रकरण भी दर्ज होगा। यही पत्रकार है, लेकिन और इसके अलावा कुछ वाहन है तो वो सब मिला के 300-400-500 वाहन। हम चाह रहे हैं कि अब पुलिस के साथ मिलके, ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ विभिन्न शहर के पॉइंट है उनको लेके आकर, नाना खेड़ा है, देवास गेट है, छतरी चौक है, चामुंडा रोड पे, चामुंडी बर्नर रोड पे, चामुंडा पे टावर, अपन एक शुरू करें चेकिंग का। एक प्रेस लिखा हुआ गाड़ी कारों पे, लोडिंग वाहनों पे, बिल्कुल सोचते हैं जीप पे, बोलेरो पे, शहर में प्रेस लिखे हुए वाहनों की किस प्रकार से जांच की जाएगी और किस प्रकार से अब कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार से मुहिम जारी रहेगी? सभी पत्रकार साथियों की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो समाचार पत्र का आइडेंटिटी कार्ड उपयोग करके कहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में जो आपसे चर्चा हुई और उस चर्चा के मुताबिक हम एक अभियान के रूप में इसको ले रहे हैं और हमारा ट्रैफिक पुलिस अगले हफ्ते पर आप लोगों के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि इस तरह के जितने लोग भी हैं ये हमारे में आ जाए। मैं आप लोगों से भी अब गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे मुहिम में हमारे साथ रहकर अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है इसके और बेहतर परिणाम रहेंगे। सर, संस्थान का लेटर अगर नहीं होगा, संस्थान अगर पुष्टि नहीं करती है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी और किस प्रकार से? चूँकि दो प्रेस क्लब हैं, उन प्रेस क्लब के भी आईडी कार्ड आप लोगों के जारी हुए हैं, इसके साथ साथ जो जिस संस्था के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस समाचार पत्र के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका भी आईडी कार्ड उनके चेक करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में अगर उनके पास नहीं होता तो उस परिस्थिति में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सर, किस प्रकार से जो है प्रेस लिखे हुए वाहनों पर कार्रवाई होना चाहिए, किस प्रकार से जो है चर्चा हुई और किस प्रकार से क्या होना चाहिए? उज्जैन शहर में देखने में आ रहा है कि दूध के वाहन पे, कारों पे, बुलेट पे, गाड़ियों पे प्रेस लिखा हुआ है। बुलेट पे ऐसा तनके व्यक्ति चल रहा है, प्रेस लिखा हुआ है, कि देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। और सिटी प्रेस क्लब ने, उज्जैन के सारे मीडिया कर्मियों ने इस संबंध में एक अभियान शुरू किया है और आज 4 दिन पूर्व हमने पुलिस कंट्रोल रूम पे ज्ञापन दिया था और आज एसपी साहब को भी एक जो ज्ञापन दिया था उसको लेके कार्य योजना बनी है कि आने वाले कम से कम 15 दिनों तक शहर में ये अभियान चलेगा और इसमें जो भी कार्डधारी है उसे कार्ड के साथ संस्थान का भी लेटर दिखाना पड़ेगा, परिचय पत्र, और जो वाहन है पे यदि गलत तरीके से प्रेस लिखा हुआ उसका कोई प्रेस से लेना देना नहीं है, उस पर कड़ी जुर्माने की प्रारंभिक रूप से कार्रवाई होगी, ऐसा अभी पुलिस विभाग के साथ मिलकर तय हुआ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।